नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। कोरोना काल में जिन लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई थी, उन लोगों को राज्य सरकार ने 50,000 रुपये देने का ऐलान किया है। बतौर मुआवजा ये राशि कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके लिए क्या करना होगा, इसकी जानकारी देने के लिए मीरा रोड के नूपुर नगर परिसर में शिवसेना के उप शहर प्रमुख मुस्तफ़ा वनारा ने एक कैंप का आयोजन किया है। इस कैंप के माध्यम से बताया जा रहा है कि मुआवजे की रकम कैसे हासिल की जा सकती है और क्या प्रक्रिया करनी होगी, जिसके चलते कोरोना में जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों को 50,000 रुपये मिल सके। इस पूरे मामले में आइए हम जानकारी लेते हैं शिवसेना के उप शहर प्रमुख मुस्तफ़ा वनारा से। कैसे है साबिर भाई, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे कार्य सम्राट आमदार प्रताप सरनाइक साहब उनके नेतृत्व में और जिला प्रमुख प्रभाकर मात्रे जी, जिला संसद स्नेहर कंसारिया मैडम, शहर प्रमुख प्रशांत पलांडे साहब, शहर संसद सालवी मैडम, इनके मार्गदर्शन में हमने एक कैंप का आयोजन किया है। जैसे कि साबिर भाई आप जानते हैं कि जब से कोरोना की महामारी आई है उसी टाइम से शिवसेना एक ग्राउंड लेवल पर काम करती आ रही है। जैसे आपको पता रहेगा कि आर्सेनिक एल्बम का भी हमने वितरण किया था, शाखा तिथि भोजन के तहत लोगों को खाना पहुंचाया गया था, इसी तरह लोगों को राशन दिया गया था, उसी तरह हमारे आमदार कार्य पता सरनाइक साहब की तरफ से शाखा तिथि दवा खाना, उसी तरह लोगों को दवाएं भी फ्री में बांटी गई थी। और इसी तरह अभी जो कोरोना में जिसकी मौत हुई है, डेथ हुई है, उनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से 50,000 रुपये की आर्थिक मदद हो रही है। और ये आर्थिक मदद के लिए जो भी फॉर्म है आपको ऑनलाइन भरना पड़ता है, तो काफ़ी कई लोग हैं जिनको कुछ मालूम नहीं होने की वजह से वो लोग ऑनलाइन फॉर्म भर नहीं पा रहे और ये सुविधा और ये लाभ उठाने से लोग वंचित रह जाते हैं। इसके लिए हमने ये कैंप लगाया है कि जिन जिन को भी ऑनलाइन फॉर्म भरना है या फॉर्म भरने में कोई अड़चन आती तो आप हमारे यहाँ आए, हम लोग यहाँ लैपटॉप लेके बैठे यहाँ पर ही उनको ऑनलाइन फॉर्म भरा के उनका फॉर्म अपलोड कर रहे हैं, उनका डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं और फॉर्म भर के दे रहे हैं और उनका जो भी रेफरेंस नंबर आता है उनको दे रहे हैं ताकि उनको 50,000 की आर्थिक मदद हो पाए। जो आपने कैंप का आयोजन किया है, क्या ये आज के दिन तक ही सीमित है या फिर जो लोग इस कैंप पे आने से वंचित रहेंगे उन लोगों के लिए वे आपको इंतजाम करते हैं? हाँ साबिर भाई, हमने सोचा है कि ये कैंप तो हमने आज 11 से 5 बजे तक का टाइम रखा हुआ है, अगर 11 के 5 बजे तक फिर भी हमको लगेगा कि नहीं और काफ़ी लोग है जो अभी ये सुविधा से वंचित है और उन लोग को फॉर्म भरना है, तो हम लोग इसको आगे और कंटिन्यूस भी करेंगे। जी जी, उसके लिए साबिर भाई जी कि हम लोग एक नंबर देंगे, वो नंबर पे अगर जिसने फॉर्म भरा हुआ नहीं है, वो आज के दिन आके फॉर्म नहीं भर पा रहे, कोई काम की वजह से कोई बाहर है, इधर है उधर है, तो हम लोग एक नंबर देंगे, वो नंबर के थ्रू हमारा शाखा में कॉन्टेक्ट करे, कॉन्टेक्ट करके हमारे पास आके दे, हम लोग यहाँ ही वहाँ फॉर्म भर के देंगे, हर दिन चलेगा। नहीं नहीं नहीं, हम लोग एक सखी से कुछ नहीं, इसके अगले व्यक्ति आपको मालूम है हमने फ्री सीनियर सिटीजन कैंप लिया था और ये भी हमने लगा, इसमें कोई चार्ज नहीं है। ये जो इस तरह के आप सोशल वर्क करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, तो क्या ये आपकी चुनाव की तैयारी है, आप यहाँ पर लोगों को इकट्ठा या मतदाताओं को इकट्ठा करने की आपकी कोशिश है? नहीं नहीं साबिर भाई, जिस शिवसेना में हमारा बाला साहेब ठाकरे की शिकवन है कि 80% समाज कारण, 20% राजकारण, तो हम लोग वो शिकवन के ऊपर ही चलते, हम लोग को इसमें कोई चुनाव का लेना देना नहीं है और हम पहले से ऐसे प्रोग्राम करते आए, इससे चुनाव से कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं। राज्य सरकार ने हाल ही में ऐलान किया है कि कोरोना के पहली या दूसरी लहर, इन दोनों लहर में जिस किसी की भी कोरोना के चलते मौत हुई है उन्हें सरकार 50,000 रुपये बतौर मुआवजा देगी। ये मुआवजे की रकम कैसे हासिल की जा सके, इसके चलते ही आज शिवसेना के उप शहर प्रमुख मुस्तफ़ा वनारा द्वारा ये कैंप का आयोजन किया गया है, जहां पर लोगों को मार्गदर्शन दिया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि कैसे फॉर्म भर सकते हैं और कैसे ये रकम हासिल कर सकते हैं। जो कार्य आज शिवसेना द्वारा किया जा रहा है, ऐसा ही कार्य अन्य राजनीतिक दलों द्वारा भी होना चाहिए, उन समाजसेवी संस्थाओं द्वारा भी होना चाहिए जो हमेशा से सुर्खियों में बने रहने के लिए कोई ना कोई ऐसे काम करते आते हैं कि उनकी खबरें बनती रहे। दरअसल हकीकत और सच्चाई यही है, यही मानवता है, यही समाज सेवा है। जिन लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है उनके परिजनों को मुआवजा मिलने में कैसे उनकी मदद की जा सके, यही भी एक मानव सेवा से कम नहीं है। उम्मीद करते हैं कि हमारे शहर के अन्य राजनीतिक दल और समाजसेवी संस्थाएँ भी इस तरह के कैंप का आयोजन करके लोगों तक पहुंचेंगे, उन लोगों को आर्थिक मदद पहुंचाएंगे जो राज्य सरकार ने घोषित की है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।